Good morning, all of you. Welcome to your SST class and students. Today, I am explaining you the uh, maps of your chapter 1 of uh, geography as well as your chapter 4 that is agriculture of geography. Okay, it means uh, in this video, I am covering the map section of your uh, syllabus. Okay, so this uh, map that is here, this is the type of soil. Type of soil according to uh, our country, we have.

ठीक है तो फर्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉयल फॉरेस्ट सॉयल एज यू नो दैट नेम से ही कवर हो रहा है बेटे माउंटेनियस मीन्स दिस टाइप ऑफ सॉयल फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन माउंटेनियस रीजन मीन्स दिस हिमालय, ओके दिस पोर्शन ऑफ हिमालय दिस दिस वन दिस इज आर माउंटेनियस सॉयल ये हमारी सारी की सारी माउंटेनियस सॉयल है क्लियर दिस himalaya and this one this is our mountainous soil okay second is olive oil as you all know this is the very much fertile soil and if you read about the characteristics of olive soil this uh, soil is found into the northern plain of our country okay so the whole northern plain this portion show kar rahi this, this whole portion is of northern प्लेन एंड दिस इज ओलिवल्स ऑयल ये सारा का सारा नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है ये हमारा ओलीवल्स ऑयल है दिस वन ओनली दिस वन ठीक है ये हमारी ओलिवल्स ऑयल है क्लियर दिस इज दिस वन ऑल्सो दिस दिस ये दिस इज़ द वेरी फर्टाइल ऑयल ये सारी की सारी फर्टाइल ऑयल है ओलि ठीक है नाउ थर्ड इज रेड एंड येलो दिस वन इज रेड सॉयल रेड एंड येलो दिस इज रेड एंड येलो सॉयल ऑल्सो नोन एज रेड सॉयल इट इज रेड बिकॉज ऑफ द आयरन पार्टिसल्स एट फाउंड इन दिस सॉयल और रेड एंड येलो येलो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये वट्टी हो जाती है तो इसका कलर जो है वो येलोइश में चला जाता है ठीक है दैट्स इट इज नोन एज रेड एंड येलो सॉयल सो दिस पोर्शन ऑफ आर कंट्री उड़ीसा सम हाउ ऑफ मध्य प्रदेश सॉरी हाँ यस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड दिस इज एरिया इज कवर्ड बाय रेड सॉयल लिटिल बिट डाउन स्टर्स हेयर इज कर्नाटका आंध्र प्रदेश केरला तमिलनाडु दिस पोर्शन इज आल्सो कवर्ड बाय रेड सॉयल ठीक है ये हमारा सारा का सारा रेड एंड येलो सॉयल है ठीक है नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन इज़ ब्लैक सॉयल ओके

मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में मिलती है ठीक है ओके इसके अलावा हमें ब्लैक सॉयल लिटिल बिट डाउन भी मिलती है बट मेन एरियाज इसके यही हैं गुजरात है मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र दिस इज़ द एरियाज स्टेट्स ऑफ ब्लैक सॉयल ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लेट्राइट सॉयल लेट्राइट सॉयल इज़ वेरी मच कवरिंग द वेरी स्मॉल एरिया इन आर कंट्री हमारे कंट्री में बहुत स्मॉल एरिया कवर करती है लेटराइट सॉयल दिस पोर्शन ये जो आपको दिख रहा है ये ये जो मैं लाइन लगा रही हूँ ये मेनली लटराइट्स ऑयल है ठीक है इसके अलावा लिटल बिट हेयर दिस इज लेटराइट एंड दिस वन दिस वन दिस वन इज़ ऑल्सो लेटराइट ये लेटराइट है ये जो आपको पट्टी दिख रही है ना दिस वन दिस इज़ योर ओलीविल ये ओलीविल है ठीक है ये ऊपर वाली ओलिवल है आसाम में और ये नीचे थोड़ा सा जो है ये लेयर ये आपकी लेटराइट की है ओके okay? ये भी लेटराइट की है ये वाली लेयर ठीक है लेटराइट बहुत स्मॉल पोर्शन को कवर कर रही है इन आर कंट्री ओके सो न कम ऑन द नेक्स्ट सिक्स टाइप ऑफ सॉइल दैट इज़ एरिड एरिड नेम से ही पता लग रहा है दैट इज़ फाउंड इन टू द एरड रीजन ओनली एंड दिस इज फाउंड इन राजस्थान एरड दिस इज़ आर एरड सॉयल एरिया क्लियर सो दिस इज़ योर टाइप ऑफ सॉयल ये हमारे मेन टाइप ऑफ सॉयल्स हैं ध्यान से दिस मैप इज वेरी मच क्लियर इन योर जोग्राफी बुक जोग्राफी बुक में विद द कलरिंग ये आपके पास बहुत अच्छा uh, दिया हुआ है एंड इन एग्जाम देयर इज ओनली द स्टेट्स वी कैन आस्क कि इन विच स्टेट दिस सॉयल इज फाउंड एंड इन विच स्टेट दिस सॉयल इज फाउंड इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसके अलावा क्वेश्चन uh, नहीं आते ओके चलिए नाउ कम ऑन द एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में वी हैव टू बी कवर द क्रॉप्स हम क्रॉप्स को कवर करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कवरिंग द क्रॉप दैट इज वीट वीट पंजाब हरियाणा दिस यू मध्य प्रदेश सम हाउ सम लिटल बिट पोर्शन ऑफ राजस्थान हिमाचल प्रदेश दिस पोर्शन इज़ कवर्ड बाई वीट प्रोड्यूसिंग एरिया मैं मेजर एरियाज ही डिस्कस कर रही हूँ आई एम नॉट डिस्कसिंग द माइनर एरियाज मेजर पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश ठीक है ये हमारे मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं बच्चे मैप आप में आपको दो तीन ही पता होते हैं और वीट अगर हम नॉर्मली बात करें तो वीट एंड राइस थ्रू आउट इंडिया ग्रो होती है बट मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ ये हैं ठीक है चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट दैट इज राइस अब हम नेक्स्ट जो क्रॉप डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास दिस वन हेयर इज कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन एंड जूट प्रोड्यूसिंग रीजन और मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ये हमारी कैश क्रॉप्स आ गई हैं ठीक है तो कॉटन प्रोड्यूसिंग रीज़न्स। कॉटन कहाँ कहाँ हो रही है सी द मैप वेरी केयरफुली दिस एरिया मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ये ध्यान रखना बच्चे आपने यूपी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात ये सारी हमारी कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है जो ब्लैक सॉइल की बेल्ट है यही कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है दिस ऑल दिस दिस इज द रीजन दैट इट इज आल्सो नॉन एज कॉटन सॉइल ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं ठीक है ना तो ये हमारे कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं ओके नेक्स्ट इज़ जूट जूट आपने ध्यान रखना है जूट इंडिया में मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो वेस्ट बंगाल है सम हाउ लिटल बिट उड़ीसा ऑल्सो बट मेजर प्रोड्यूसिंग इज वेस्ट बंगाल एंड आसाम ओके वेस्ट बंगाल एंड आसाम दिस इज मेजर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया और रबड़ जहाँ तक रबड़ की बात करेंगे ये डॉट्स जो है वो रबड़ शो कर रहे हैं एंड हेयर सम पोर्शन ऑफ केरला सॉरी कर्नाटका एंड तमिलनाडु we are covering the rubber plantation okay? in karnataka and tamil nadu we are covering rubber plantation okay so this is your uh, major cash crops uh, cotton jute and rubber okay now come on the downstairs here it is the tea and coffee producing areas tea and coffee just keep in mind that tea is mainly in assam टी प्रोड्यूसिंग एरिया मेनली कौन सा है असाम का ठीक है बट लिटल बिट इन तमिलनाडु कर्नाटका कैरला ऑल्सो एंड कॉफी प्रोड्यूसिंग मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया इज दिस वन तमिलनाडु नीलगिरी हिल्स हैं वैसे तो ये नीलगिरी हिल्स जो हैं वो मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं तमिलनाडु क्रॉस बॉर्डर ऑफ केरला एंड कर्नाटका ऑल्सो बस ये जो ये आपने सिर्फ एरिया ध्यान में रखना है दिस इज योर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एंड टी प्रोड्यूसिंग एरिया। ये कॉफी और टी प्रोड्यूसिंग एरिया मेनली टी यहाँ हो रही है कॉफी यहाँ नहीं हो रही यहाँ कॉफ़ी भी हो रही है और टी भी हो रही है जस्ट कीप दिस इन थिंग कॉफी इज नॉट इन आसाम ठीक है बट इट इज टी इज इन आसाम ऑल्सो एज वेल एज इन देअर तमिलनाडु केरला एंड कर्नाटका ऑल्सो क्लियर सो दिस इज़ योर कैश क्रॉप्स ऑफ टी एंड कॉफ़ी आई थिंक दिस इज़ कव सफिशेंट फॉर यू इसके अलावा आपके पास सिर्फ मैप आ जाएगा दैट इज़ राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज़ तो राइस प्रोड्यूसिंग एरिया मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज़ इज इन द साउथ साउथ में आप मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज जो हैं वो लोगे कि तमिलनाडु कर्नाटका महाराष्ट्र केरला ये मेजर हमारे राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं ठीक है now i am here this this map showing you the major sugar cane producing areas sugar cane ठीक है अब शुगर केन कहाँ हो रही है शुगर केन का एक चीज आपने ध्यान रखना है बैठे सारी की सारी जो मैक्सिमम शुगर मिल्स हैं दे आर इन यूपी एंड महाराष्ट्र तो वाई यूपी एंड महाराष्ट्र बिकॉज दीज एरियाज आर मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज ये मेजर हमारे शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं दिस इज यूपी महाराष्ट्र कर्नाटका ऑल्सो तमिलनाडु ऑल्सो दिस इज आर शुगर केन प्रोड्यूसिंग बेल्ट ये हमारी शुगर केन प्रोड्यूसिंग बेल्ट है क्लियर ओके दैट्स इट अबाउट योर मैप सिर्फ आपके यही मैप आपने प्रिपेयर करने हैं इसके अलावा कोई मैप आपने प्रिपेयर नहीं करने थैंक यू